इधर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान वहां के एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में सीमा हैदर के चारों बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इससे एक रोज पहले सीमा हैदर ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया था और वो भारतीय संस्कृति में रची बसी दिखी थी। सीमा हैदर अपने चारों बच्चों के साथ 13 मई को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई और ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ बीते 1.5 महीने से रह रही, जिनके ऊपर खुफिया एजेंसियों की नजर है और उनसे यूपी एटीएस की टीम कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। इस बीच ग्रेटर नोएडा के एक निजी स्कूल में सीमा हैदर के चारों बच्चे हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाते दिखे। इस दौरान उन बच्चों के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया और वो सिर पर तिरंगे वाली टोपी लगाए दिखे। इस बीच सीमा हैदर के बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीमा हैदर के भारत आने के बाद ऐसा पहली बार रहा जब सीमा हैदर के बच्चे किसी निजी स्कूल में दिखे। वहीं उनके स्कूल में एडमिशन को लेकर सचिन के पिता नेत्रपाल ने बताया कि उन्हें यूपी एटीएस से क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। वहीं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी कर सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और उन्होंने अपनी बात जय श्री राम कहकर शुरू की। इस वीडियो में सीमा हैदर ने सिर पर तिरंगे के रंग का दुपट्टा भी ओढ़ रखा था और उनके बगल में सचिन मीणा बैठे नजर आए और इस वीडियो की शुरुआत में ही सीमा हैदर जय श्री राम कहती नजर आई और आजादी के जश्न में सराबोर दिखी। 15 अगस्त का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो मैं बहुत खुश हूँ, हम मन से मना भी रहे हैं बच्चों और परिवार के साथ। वीडियो में सीमा हैदर ने बताया कि वो अपने बच्चों के साथ लाल किले जाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहती थी लेकिन उनके ऊपर जांच चल रही है इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को बिना वीजा के भारत में आने के बाद गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद से ही वो खुफिया विभाग के रडार पर है और उनसे कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां एक आदमी पर अपनी पत्नी को गोली मारकर घंटों तक अपने ही घर में कैद करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन दोनों के बीच हुए विवाद के बाद उस आदमी ने पहले तो अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दे दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस महिला को वहां से निकालने के लिए पहुंचे, लेकिन वो आदमी 2 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा। इस दौरान उन पुलिस वालों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हुआ, जिसके बाद उस घायल महिला को वहां से निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन तक मंगाई गई। हालांकि 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद उसने आखिरकार अपनी पत्नी को बाहर जाने दिया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे किसी तरह इलाज के लिए अस्पताल ले गए। साथ ही उस आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद घर में कैद किया। इधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के दागिस्तान प्रांत में एक गैस स्टेशन पर हुए रहस्यमयी धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस भयंकर धमाके का एक डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस गैस स्टेशन पर लगी आग के बीच अचानक जोरदार ब्लास्ट होता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां आग का एक विशाल काय गोला नजर आया। दिल दहला देने वाले उस धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लास्ट के बाद निकली आग की लपटों ने आसपास की दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद वहां हर तरफ आग ही आग नजर आई। यह धमाका कैस्पियन सागर के किनारे पर मौजूद रूस के दागिस्तान प्रांत की राजधानी महचकला में हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद उस भीषण आग को बुझाया जा सका। रूसी अधिकारियों के मुताबिक वो आग सबसे पहले एक दुकान में भड़की, जिसके बाद देखते ही देखते उसने आसपास की दुकानों समेत उस गैस स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया।